तो हेलो गाइस, क्या चल में करता हूँ। सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। बोला तुम्हारा भाई आज का एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो शेडो लेजेंड्स अनरोड गेम है ना, आपको पता कि ये गेम आ चुकी है, बट कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये गेम कैसे खेलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया आपको कुछ नहीं समझेगा कि इस गेम को कैसे खेलना है एंड इसमें क्या क्या सेटअप दिया गया। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हिसाब से वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अब देखिए भाई लोग, गेम को डाउन करने के बाद पहले तो आपको इसमें गेम में कुछ ट्यूटोरियल खेलना पड़ सकता है, फिर आपको जो मेन पेज दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस गेम की जो गेम की बेसिक सेटिंग है ना, पहले वो देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया, फिर आपको मैं गेम खेल के दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल मिल जाती है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, आपको बस यस कर देना है। ठीक है, आपको प्रोफाइल इसमें शो हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाली आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, अगर आप अपना कैरेक्टर चेंज भी करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर आपको कैरेक्टर के ऑप्शन की जो अवतार वगैरह हैं, मतलब कि फोटोज वगैरह हैं, वो दिख जाएंगी। तो आप इनसे इन पर क्लिक करके, ठीक है, एंड यहाँ पर ट्राई का ऑप्शन होता है राइट में। ठीक है, तो आप इनको चेंज कर सकते हो अपने कैरेक्टर को। ठीक है, तो अभी मैं नहीं कर रहा, तो सीधी मैं बैक कर दूंगा एंड मेरा कैरेक्टर जो है वो वही का वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब नीचे उससे क्वेश्चन आएगा, जो अपनी प्रोफाइल है उससे नीचे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन वगैरह मिशन वगैरह अपने क्लियर कर सकते हो एंड उनसे रिवॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने ये मिशन वगैरह क्लियर कर लिए है। ठीक है, तो ये तो हो गया मिशन की बात, क्वेश्चन की बात। अभी नीचे इसकी इवेंट्स भी चलते हैं, 7 डे इवेंट चलते हैं, यहाँ पर कई चैलेंज वगैरह चलते हैं इसमें। तो इस पर जैसे क्लिक करके तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको क्लियर कर सकते हो। अब सीधे चलते हैं जो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में क्या है, मतलब कि जो भी आप गेम खेल के आते हो तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जैसे वीपन हो गया, ठीक है, और आपके जैकेट वगैरह हो गई, आर्मर वगैरह हो गई, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अगर आप इनको अपग्रेड भी करना चाहते हो तो जो भी तलवार आपके पास है तो उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एंड उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आप प्लेयर को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, अपने प्लेयर की कॉस्ट्यूम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम में जाना है। जैसे ही कॉस्ट्यूम में जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम दिख जाएंगी, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पर आपको अमाउंट देनी होती है इतनी। ठीक है, आप ये चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं सीधे गेम में। तो गेम खेलने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में एडवेंचर का ऑप्शन मिल जाएगा, दो ऑप्शन मिलते हैं, एक चैलेंज का, एक एडवेंचर का। तो चैलेंज का ऑप्शन है तो वो आपकी आपको जैसे जैसे आपका लेवल हाई होता जाएगा एंड वो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए शुरुआत में आपको एडवेंचर का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे एडवेंचर पर क्लिक करोगे दो, तो जो आपने मैच खेला हुआ है तो उस पर तो स्टार दिखाई देगा, जो आपने मैच नहीं खेला तो वहाँ पर आपको स्टार ब्लैक कलर में दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे कुछ सेकंड का वेट लगेगा यहाँ पर एंड उसके बाद आपका जो गेम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करना होता है। एंड बाय लो, जिससे मैं अभी तक गेम वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, फटाफट से वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, अब आप देखिए आपको ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना का होता है, लेफ्ट साइड में आपको जॉयस्टिक मिल जाती है, राइट साइड में आपको तलवार वगैरह, ठीक है, एंड पावर मिल जाएगी। तो बस आपको जो एनिमीज वगैरह होते हैं उनको बस फिनिश करना होता है एंड पावर का यूज़ करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल गेम है, आप खेलोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, पावर का यूज़ करते जाना है। ठीक है, ध्यान रखिए ताकि आपको आपकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ना जाए एंड आपको जो बॉस से फाइट होगी तो उसमें आपकी हेल्थ पूरी हो। ठीक है, हेल्थ आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, जैसे ही आप एनिमीज को इनको फिनिश करते रहते हो तो आपको किसी भी एनिमीज में से आपको हेल्थ मिल सकती है। ठीक है, किसी भी एनिमी में से मिल जाएगी आपको हेल्थ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये मुझे मिल चुकी है ऐसे, तो आपको जैसी किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे तो उसमें से मिल जाएगी हेल्थ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट का कह रहा है, तो मतलब कि इसमें आपको अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपको ना मैच फिनिश होगा आपका, तो वहाँ पर आपको वेव दिखाई देते हैं, कितने आपके वेव चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में स्टेज वगैरह होते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि कितने मैच के बाद, कितने स्टेज के बाद बॉस आएगा। ठीक है, तो आप बॉस से भी फाइट ले सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ लग होगा कि गेम कैसे खेलते हैं। अगर आपको गेम खेलने दिक्कत पड़ती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर।